गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन और उसी से रिलेटेड था लेंस, तो उसके हमने लगभग सारे डेरिवेशन कर लिए हैं। आज उन्हीं डेरिवेशन से रिलेटेड आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ बोर्ड पर मेंशन किया हुआ है, ज़रा इसे ध्यान से देखिएगा। कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है कि किसी द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएँ समान हैं, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्याएँ ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, यहाँ पर उसने कहा कि लेंस की वक्रता त्रिज्याएँ समान हैं, अर्थात वक्रता त्रिज्याएँ समान होने का मतलब अगर कोई लेंस, अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर द्वि उत्तल लेंस लिया, तो अगर द्वि उत्तल लेंस मानते हैं, अब द्वि उत्तल लेंस आपके सामने हैं, अब क्या करेंगे कि अगर इसकी जो लेंस की बनावट को अगर देखें तो वक्रता त्रिज्याओं को अगर हम जानते हैं, लेंस के लिए परिभाषित किया जाता है कि ये दो गोलीय खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है कांच के, तो इनकी जो रेशियो यहाँ पर देखें तो इस वाले की जो वक्रता त्रिज्या आ रहेगी वो यहाँ से आएगी और दूसरे वाले की जाएगी इस तरफ। यानी कि जो हमारा ये पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है, और पहला पृष्ठ जबकि इस तरफ इसकी वक्रता त्रिज्या आ रही है तो ये तो हमारे लिए आर होगा, मान लिया। लेकिन इस तरफ वाली यानी दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है, चूंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार इस तरफ की जो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो दूरियां होती हैं वो हम लेते हैं ऋणात्मक, यानी कि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमारी होगी प्लस आर और दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो होगी माइनस आर। इसीलिए ये चित्र बना के हमने आपको यहाँ पर बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए सवाल पे आते हैं अपने। ये इसलिए बता दिया क्योंकि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अगर हम पॉजिटिव लेते हैं और दूसरे की निगेटिव लेते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट जाता है कि सर ने पहले की पॉजिटिव ली है और दूसरे की निगेटिव ली है, कारण मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसका आंसर या इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे कि माना लेंस की वक्रता त्रिज्याएं आर है, ये दोनों के लिए हमने आर मान लिया। अब दोनों अगर दो हैं तो हम कैसे लिखेंगे इसके लिए, आर वन बराबर आर और आर टू बराबर माइनस का आर, है ना। ये फोकस के लिए हमने, और इन्हीं आर की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। अपवर्तनांक की बात कर रहा है तो एन बराबर हमारे लिए 1.5 है और फोकस दिया गया है, उसने कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। अपवर्तन के सूत्र से फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/f बराबर एन माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर देखो बेटा, f की भी वैल्यू है एन 1.5 इंटू माइनस वन ब्रेकेट के अंदर 1/r1, आर वन की वैल्यू हमने यहाँ पर r ली है, माइनस 1/r2 और r2 की है माइनस r, और माइनस माइनस मिलकर हो जाता है प्लस। इसको सॉल्व करेंगे 1/30, यहाँ से इसमें से जाएगा तो ये बचेगा 0.5, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम हो जाएगा r, तो ये हो जाएगा 1+1, 1/30 बराबर 0.5 इंटू 2/r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो r बराबर हमारे पास क्या आएगा, 0.5 इंटू 2 इंटू 30, है ना, 5 × 2 = 10, एक अंक के बाद दशमलव आएगा यानी 1, यानी r बराबर हमारे पास आ जाएगा 30। अब 30 आ गया, ये वैल्यू हमारे पास r की आ गई। अब हम क्या करेंगे कि उसने हमसे पूछा है दोनों की वक्रता त्रिज्या है, तो r1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो r1 बराबर है हमारा r, तो ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। r2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो r2 ये हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर होगा। यानी कि हमारी जो यहाँ पर फोकस दूरियाँ है वो r1 और r2, सॉरी वक्रता त्रिज्या है r1 और r2, एक 30 है और दूसरा माइनस 30 आ रहा है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा r है वो किसके, फोकस के बराबर है। तो ये सवाल था हमारा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो क्या है, तो बेटा हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कांच जिसका आपवर्तनांक 1.5 है के उपयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। यह लेंस 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रकाशिक तंतु से आने वाली प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है। इनके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो बेटा हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर वो ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रकाशिक तंतु, लेकिन ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं करेगा। कहने का मतलब ये मान सकते हैं कि जो नियम है प्रकाश की किरणों के, तो जब ये कहा जाता है कि अगर कोई प्रकाश, जैसे कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, या फिर सेकंड नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाए और अपवर्तन के पश्चात मुख्य समान अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब चूंकि वो क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रकाशिक तंतु से आने वाली प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है, अर्थात ये जो 6 सेंटीमीटर है वो इस लेंस की फोकस दूरी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चूंकि जो इसकी फोकस की परिभाषा के अनुसार जो इसकी फोकस है वो जो 6 सेंटीमीटर की दूरी है ये हमारे लिए पॉजिटिव होगी, अर्थात एफ बराबर हमारे लिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात दे रहा है, वो अनुपात दे रहा है यानी कि R1:R2 1:2, यानी कि ये अनुपात में दिया। कह सकते हैं कि हम यहाँ पर अगर मान लें कि इसकी त्रिज्याएं क्या हैं, माना पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R है, अगर R में रेशियो इसको मान लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं R1:R और R2:2R। लेकिन हमने आपको बता दिया था कि दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है निगेटिव, जो कि हमने एक चित्र के थ्रू अभी इसी वीडियो में पहले सवाल में बताया था, यानी कि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R और दूसरे पृष्ठ की हो गई माइनस की 2R, माइनस चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार आ गया। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करनी है, अर्थात वैल्यू हमें R की ही ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो फार्मूला है उसी को यूज़ करेंगे, 1/f (n-1) 1/R1 - 1/R2। इसमें वैल्यू पुट अप करिएगा बेटा तो क्या होगा, 1/6 यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक n कितना दिया गया है हम लोगों को, 1.5 - 1/R - यहाँ पर R2 और R2 की वैल्यू है -2R, तो 2R रखेंगे और इसे हम कर देंगे पॉजिटिव। 1/6 यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये 0.5 बचेगा। अब क्या है, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा इसका 2R, R से R कैंसिल, 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 प्लस, और 2R से 2R कैंसिल, 1 बार जाएगा 1। अब क्या करेंगे इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 1/6 = 0.5 × 3/2R मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2R = 0.5 × 3/6, 2R = या फिर यहाँ से R = डायरेक्ट कर देते हैं तो 0.5 × 3/6 / 2, और 2 से ये कटा 3 हो जाएगा, 3 × 9 और 9×5 = 45, यानी कि ये 45 हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव, यानी R की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 4.5 सेंटीमीटर। अब चूंकि R जो वैल्यू है वो हमारी R1 की है, यानी R1 = हमारे पास हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, और R2 अगर हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो R2 हमारे पास है -2R, तो -2 × R और R की वैल्यू है 4.5, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। अब हमारा जो सवाल का पैटर्न है हम उसको अब चेंज कर रहे हैं, अब दूसरे टाइप के सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। कई मिनट गई हो, दो पैटर्न कराए ना सवाल, एक पैटर्न खत्म हुई हो, दूसरे पैटर्न कर दें सवाल।
के एक उत्तल लेंस के तृतीयक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बीस सेंटीमीटर है। अपवर्तनांक की तरफ डूबने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने अभी अभी मेंशन किया है, क्या है, क्या क्या कह रहा है ये सवाल? कह रहा है कि कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, और फिर इसको क्या किया जाता है कि 1.75 अपवर्तनांक के द्रव्य में इस लेंस को डुबो देते हैं, और डुबो देने के बाद इसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी। प्रकृति का मतलब इसका नेचर या इसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, कि क्या ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा या और किसी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो इसके लिए तो जब हम आंसर निकालेंगे तभी इसका कंक्लूजन दे सकते हैं। तो जो चीज़ें हमें दी गई हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, कांच चूँकि हमें यहाँ अपवर्तनांक 2 दे रहा है बेटा, एक अपवर्तनांक कांच का, दूसरा दिया जल का। अब चूंकि ये दोनों के दोनों अपवर्तनांक हैं हमारे वायु के सापेक्ष, यहाँ पर वायु साइलेंट रखा गया सवाल में, उसने कहा नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें वायु के सापेक्ष मानने होंगे। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं ANg = 1.5, और चूंकि लिक्विड है तो हम इसे ANL लिख सकते हैं, और ये दिया गया है 1.75। अब चूंकि कांच को डुबो दिया गया है जल के अंदर, तो जो लिक्विड के अंदर इसको डुबोया गया है तो उस लिक्विड के सापेक्ष जो हमारा लेंस है उसका अपवर्तनांक अब कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालना होगा हमको LNG, और LNG जब निकालेंगे यानी कि लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो हमने आपको जितनी बार बताया है सवाल में, कई बार भी हमने पहले भी आपको हाई स्कूल में भी बता रखा है कि जो वर्ड हमारा यहाँ पर पीछे आ जाता है हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ANg / ANL। वैल्यू पुट अप करेंगे, ANg इसकी वैल्यू है यहाँ पर 1.5, ANL 1.75 है ना। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से हटेगा ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अगर हम इसको काटें तो 25 से काट सकते हैं, ये 6 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा, यानी कि 6/7, यानी कि हम कह सकते हैं LNg = 6/7। अब हमें क्या निकालना है, निकालना फोकस दूरी है। वक्रता त्रिज्याएं आपको 20 सेंटीमीटर दी प्रत्येक, तो कह सकते हैं R1 बराबर हमारे पास 20 सेंटीमीटर और R2 ये निगेटिव होगी। यहाँ से हमें क्या काउंट करना है, फोकस। फार्मूला पुट अप करेंगे, फार्मूले को रखेंगे तो फार्मूला आता है हमारे पास 1/F = N-1। अब चूंकि N को हमने किस रूप में लिखा हुआ है, LNG के रूप में, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको LNG - 1 × 1/R1 - 1/R2।
वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1/f बराबर एल एन जी की वैल्यू है बेटा 6/7 माइनस 1, आर 1 की वैल्यू 20 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो सॉरी आगे बढ़ाते हैं इसको, तो क्या करेंगे इस ब्रैकेट को, यहाँ पर 7 एलसीएम हो जाएगा इसका, तो 1/6 माइनस 7 इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एलसीएम हो जाएगा और ये क्या होगा 1+1 हो जाएगा। तो 1/f बराबर यहाँ से घटाएंगे इसको तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/7, क्योंकि 6 यहाँ पर माइनस के साथ हैं और ये प्लस 6 हैं, घट जाएंगे तो माइनस 1 बचेगा और ये हो जाएगा 2/20 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अर्थात 1/f बराबर माइनस 1/, यहाँ 10 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, यानी कि f बराबर ये हमारे लिए वैल्यू आ जाएगी माइनस का 70 सेंटीमीटर। अर्थात हमारी फोकस यहाँ पर आ गई माइनस की 70 सेंटीमीटर। अब चूंकि फोकस हमारा यहाँ पर आ गया ऋणात्मक, अब ऋणात्मक आ गया तो हम कह सकते हैं कि द्रव में डुबोने के बाद जो हमारा उत्तल लेंस था उसका व्यवहार अवतल लेंस की तरीके से हो जाएगा, यानी प्रकृति इसकी हो जाएगी अवतल, ये व्यवहार करने लगेगा अवतल लेंस की तरीके से। तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, जो कि आपको अपनी किताब से या आपके पास जो सोर्स है क्वेश्चंस का, उन सोर्स से अपने क्वेश्चंस को देखिए, करिए और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो वो आपके लिए ही अच्छा है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमने आज आपको दो फॉर्मूले यहाँ पर बताए हैं, उनके आधार पर अपने क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करिएगा। थैंक यू।